गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं बीएल अग्रवाल आज आप लोग को इस लेक्चर में इश्यू ऑफ शेयर फॉर फ्यूचर एंड री इश्यू ऑफ फॉरफिटेड शेयर का एक प्रॉब्लम सोल्व करके समझाने का कोशिश करूंगा। उम्मीद करूंगा आप लोग को समझ में आएगा। सबसे पहले शेयर को हम लोग इश्यू करेंगे, फिर शेयर होल्डर वहां पे कहीं भी फेल करते हैं, कॉल सीनेरियर कराते हैं, तो लास्ट में डायरेक्टर लोग उनके शेयर को फॉरफिट करेंगे। फॉरफिट करने के बाद उसको री इश्यू किया जाता है एंड लास्ट फाइनल प्रॉफिट को कैपिटलाइजर में ट्रांसफर करेंगे। ये एक कंप्लीट प्रॉब्लम होगा। यहां देखिए, कोई मेट्रो कंपनी लिमिटेड है, मेट्रो कंपनी लिमिटेड है जो 3000 शेयर इश्यू किया था, 10 ईच, 3 रूपया लेगा एप्लीकेशन पे, 5 रूपया अलॉटमेंट में जिसमें 2 रूपया प्रीमियम होगा, तो 5 रूपया अलॉटमेंट में 3 रूपया कैपिटल हो गया और 2 रूपया का प्रीमियम हो गया, 4 रूपया इकलौता 4 रूपया फाइनल कॉल होगा, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल नाम भी दे देंगे। ऑल द शेयर्स वेयर सब्सक्राइब फॉर एंड फुल्ली कॉल्ड अप, सारा शेयर पब्लिक खरीदा है और फुल्ली कॉल्ड अप का मतलब फाइनल कॉल तक पैसा ड्यू किए हैं। मनी ड्यू ऑन द शेयर्स वेयर रिसीव्ड, जो पैसा ड्यू था सब मिला है एक्सेप्ट, यहां पे देखिए एक्सेप्ट में दे रहा है राम बोल के कोई शेयर होल्डर हैं जिनके पास 50 शेयर है, वो हमको अलॉटमेंट और कॉल का पैसा नहीं दिए। अलॉटमेंट नहीं दिए तो याद रखिएगा प्रीमियम भी नहीं दिए और कॉल नहीं दिए। श्याम दूसरे शेयर होल्डर है जिनके पास 100 शेयर है, वो सिर्फ फाइनल कॉल का पैसा नहीं दिए। तो राम का फेलियर हुआ अलॉटमेंट एंड फाइनल कॉल, श्याम का फेलियर हुआ सिर्फ फाइनल कॉल। तो ये जो 150 शेयर 150 शेयर होता है, यहां देखिए लिखा है फॉरफिट कर लीजिए, इस 150 शेयर को फॉरफिट कर लेंगे और दोबारा इसको री इश्यू करेंगे 8 रूपया में। 10 का शेयर है, 8 में री इश्यू करेंगे तो 2 रूपया डिस्काउंट होगा, तो वो फिर कैपिटलाइजर में कैलकुलेशन में हेल्प करेगा। तो ऐसे करके ये क्वेश्चन हुआ, चलिए इसको सोल्व करके देखते हैं। ये रख दिया आपके सामने फॉर्मेट इन द बुक्स ऑफ मेट्रो लिमिटेड जर्नल। हम लोग 3000 शेयर इश्यू किए थे, एप्लीकेशन का दाम 3 रूपया था। तो चलिए पहला एंट्री करते हैं, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। शेयर जो इश्यू हुआ था, नंबर ऑफ शेयर 3000 और एप्लीकेशन का दाम 3 रूपया, तो यहां ले आते हैं 3000 शेयर 3 रूपया, दैट इज 9000। नरेशन होगा बींग एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। अब हम लोग इसको कैपिटल में ट्रांसफर कर देते हैं, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट 9000 बीइंग एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर। इसके बाद हम लोग अलॉटमेंट ड्यू करेंगे, अलॉटमेंट का दाम है 5 रूपया जिसमें 2 रूपया प्रीमियम होगा। शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 3000 शेयर का 5 रूपया करके ड्यू करेंगे 15000 टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट या टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। 3000 शेयर का 2 रूपया प्रीमियम लेंगे तो कैपिटल लेना होगा 3 रूपया, दैट इज 9000 और 6000। एक शेयर होल्डर राम जिनके पास 50 शेयर है वो पैसा अलॉटमेंट का नहीं देंगे, पहले इसका नरेशन दे देते हैं। बींग
अलॉटमेंट मनी ड्यू इंक्लूडिंग प्रीमियम। राम पैसा नहीं देंगे, एंट्री करते हैं बैंक अकाउंट डेबिट, कॉल सीन एरियर अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। अलॉटमेंट का तो 15,000 पूरा रख देते हैं। राम के पास 50 शेयर है, अलॉटमेंट का दाम 5 रुपया है, 250, तो 1,4,750। बीइंग अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड आफ्टर एरियर। अलॉटमेंट का काम कंप्लीट हुआ, अब हम लोग कॉल की तरफ जाएंगे, फाइनल कॉल ड्यू करेंगे। एक ही कॉल है, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल नाम दे देंगे, 4 रुपया उसका रेट है। शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। 3,000 शेयर है, 4 रुपया करके कॉल है, 12,000। बीइंग फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मनी ड्यू। अब ये पैसा मिलेगा तो श्याम बोल के एक शेयर होल्डर है, वो भी फेल करेगा, उसके पास 100 शेयर है, तो फाइनल कॉल में फेल 2 जन हो जाएंगे। बैंक अकाउंट डेबिट, कॉल सीन एरियर अकाउंट डेबिट। यहां एरियर में देखिए 50 शेयर और फिर 100 शेयर। अब फाइनल कॉल का दाम 4 रुपया, दैट इज 600 हो जाएगा। टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट। फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का 12,000 रख दिए, यहां आ जाएगा 11,400। बीइंग फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मनी रिसीव्ड आफ्टर एरिया। अब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स क्या करेंगे, इनका ये 150 शेयर को फॉरफिट कर लेंगे। तो 150 शेयर फॉरफिट करना है, तो फॉरफीचर का एंट्री हुआ इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। ये 150 शेयर 10 रुपया का कॉल्ड अप है, तो 1500। एक शेयर होल्डर अलॉटमेंट फेल किया था, इसका मतलब हुआ वो सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व भी फेल किया था, तो उसके लिए 50 शेयर ही उसके पास था। अब प्रीमियम 2 रुपया था, तो 100 रुपया। जो लोग अलॉटमेंट फेल किए थे उनके पास 50 शेयर था, तो 50 शेयर का 2 रुपया करके 100 रुपया। और टू कॉल्स इन एरियर, अगर एरियर का बात करें तो यहां देखिए फाइनल कॉल पर एरिया 600 था, थोड़ा ऊपर देखिए यहां पे अलॉटमेंट पे एरियर 250 था, तो ये एरियर हो जाएगा 850। टू शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट, इसमें से माइनस कर देंगे 750। बीइंग फॉर फ्यूचर ऑफ 150 शेयर्स ऑफ ₹10 ईच फुल्ली कॉल्ड अप फॉर नॉन पेमेंट ऑफ इंस्टॉलमेंट्स। ऐसे करके शेयर तो फॉरफिट हो गया, फिर क्वेश्चन में बोल रहा है कि उसको 8 रुपया करके री इश्यू कर दीजिएगा,
10 का शेयर 8 रुपया री इश्यू करते हैं तो 2 रुपया डिस्काउंट होता है, चलिए उसका एंट्री करते हैं। तो 150 शेयर को हम लोग को री इश्यू कर देना है तो बैंक अकाउंट डेबिट 150 शेयर 8 रुपया करके देना है, शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट 2 रुपया करके डिस्काउंट हो जाएगा, 2 इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट 1500। नरेशन देते हैं, बींग री इश्यू ऑफ 150 फॉरफिटेड शेयर ऑफ रूपीज 10 इच फुल्ली पेड अप एट ए डिस्काउंट ऑफ रूपीज 2 पर शेयर। अगर आपको याद हो तो फॉर फ्यूचर में इनकम हुआ था 750, 150 शेयर फॉरफिट करने में 750 रुपया का गेन था, और यहां अगर आप देखो तो 300 रुपया का लॉस हो रहा है, नाम सेम रख दिए हैं। लास्ट एंट्री शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट 2 कैपिटल रिजर्व अकाउंट, ये हो जाएगा 450। नरेशन देते हैं, बिंग प्रॉफिट ऑन फॉर फ्यूचर एंड री इश्यू ट्रांसफर्ड टू कैपिटल रिजर्व। जब भी प्रॉफिट होगा उसको कैपिटल रिजर्व में ही ट्रांसफर करेंगे, ठीक है। तो ऐसे करके ये क्वेश्चन सोल्व हो गया, उम्मीद करते आप लोग को समझ में आया होगा। छोटा सा प्रॉब्लम था जिसमें हम लोग को जर्नल एंट्री करना था, पहले इश्यू किए फॉर फ्यूचर किए देन री इश्यू कर दिए एंड लास्ट में प्रॉफिट ऑन फॉर फ्यूचर कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कर दिए। ओके, समझ में आ गया। ओके, थैंक यू, बाय।